हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सेल एकेडमी में। आज हम लेके आए हैं बाल्यावस्था, जो कि 5 या 6 वर्ष से 12-13 वर्ष की अवस्था में उन तक होती है। कल मैंने पूछा था कि नोड्स कौन कौन बना के पढ़ रहे, तो बहुत ही पॉजिटिव रेस्पॉन्स देखने को मिला कि बहुत सारे हैं जो नोड्स बना के पढ़ रहे हैं। तो अच्छा लगा, नोट्स बना के पढ़ो, ऐसे ही पढ़ते रहोगे तो ज़रूर सिलेक्शन ले लोगे। और इस चैनल पे सारे सीरियस बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो मुझे लगता है ये सारे के सारे सिलेक्शन लेने वाले हैं। और कमेंट के माध्यम से, जैसे कई बार मुझे, मैं खुद भी पढ़ती हूँ अभी, तो कई बार ऐसे लगता है छोटा है, मिस नहीं करना मेरे को। तो आपके जब भी मैं कमेंट्स देखती हूँ तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है और फिर मैं वीडियो बनाने के लिए ऐसे प्रोत्साहित होती हूँ। तो कमेंट के माध्यम से अपनी प्रेजेंस भी जताया करो, साथ ही बताया करो कि अच्छा आपका वीडियो कैसा लगा। जिसे कुछ लोग देख के निकल लेते, लाइक भी नहीं करते, तो ये चीज़ें मैटर करती है। आप खुद यदि कुछ आपने कुछ बनाया है, डिज़ाइन या कुछ भी आप नया लेके आए हो, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि लोग इसको, इसके बारे में कुछ कमेंट करें। तो आप समझ रहे हो ना, तो इस टाइप से कमेंट के माध्यम से। और अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को शेयर करने में भी शायद दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कर देना चाहिए आपको शेयर। ओके, बाल्यावस्था, इसको बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल, सीखने का आदर्श काल किसने कहा? वैलेंटाइन ने किसको कहा? शैशवावस्था को। ध्यान रखना, यह है जीवन का अनोखा काल, कोल एंड बुट्स ने कहा। अनोखा काल से हमें लगता है स्वर्णिम काल, हम किशोरावस्था को बोलते हैं, तो जीवन का अनोखा काल आते हमें लगता है कि किशोरावस्था होना चाहिए, लेकिन नहीं। ध्यान रखना है, जीवन का अनोखा काल, जीवन का स्वर्णिम काल बोलते हैं किशोरावस्था को, लेकिन जीवन का अनोखा काल ये है, कोल एवं बुट्स ने कहा और बाल्यावस्था के लिए कहा। देखो, बाल्यावस्था को वैसे सुस्त अवस्था मानी जाती है क्योंकि इसमें शारीरिक और मानसिक विकास धीमी गति से होता है, ठीक है, लेकिन अनोखा काल है। और ये किस कर्म में कहा, इन्होंने कई बार ये क्वेश्चन पूछा था कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, लेकिन कौन से क्रम में, संवेगात्मक, सामाजिकरण, किस टाइप से? तो ना, तो ये संवेगात्मक विकास के क्रम में जीवन का अनोखा काल बोला किसने? कोल एवं बुट्स ने, ठीक है। दूसरा है मिथ्या या छदम परिपक्वता का काल। मिथ्या या छदम परिपक्वता का जो काल है वो बोला रोच ने, और ये जो बोला वो उत्तर बाल्यावस्था। देखो, अभी मैंने बताया नहीं कि जो 5 से 6 वर्ष से 12 और 13 वर्ष तक की जो बाल्यावस्था होती है, इसमें संचय काल बोलते हैं 6 से 9 वर्ष की आयु को। संचय काल यानी चीज़ों को संचय ज़्यादा करते हैं, संचय की प्रवृत्ति, संग्रह की प्रवृत्ति होती है बाल्यावस्था में, लेकिन संचय काल कौन सा होता है? 6 से 9 वर्ष। तो इसको बोलता है पूर्व बाल्य, हर अवस्था को पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था में पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, तो 6 से 9 को बोलते हैं पूर्व बाल्यावस्था और इसको संचय काल भी बोलते हैं, ठीक है। और 10 से 12 यह है परिवाह काल। कौन सा? परिवाह काल, संचय काल, परिवाह काल, 6 से 9 यह है उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। तो मिथ्या एवं छदम परिपक्वता का काल किस, कौन सी को बोला जाता है? आता है उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। अब हमें बाल्यावस्था तो पता है, लेकिन उत्तर और पूर्व का पता नहीं। तो जो उत्तर, उत्तर यानी उतरने वाली, यानी कि उस लास्ट, मतलब इस, अब ये उत्तर इसका लास्ट है और अब आगे, पूर्व यानी पहले वाली, उत्तर यानी बाद वाली, तो इसके बाद किशोरावस्था शुरू हो जाएगी। तो पूर्व उत्तर बाल्यावस्था को बोला मिथ्या एवं छद्म परिपक्वता, क्योंकि किशोरावस्था में तो क्या होता है, परिपक्वता आने लगती है, लेकिन यहाँ पे ऐसे लगता है बच्चे को कि मैं बड़ा हो गया हूँ, ये उनको भ्रम रहता है। तो इसलिए रोस ने बोला इसको मिथ्या और छद्म परिपक्वता का काल, ये बोला रोस ने। एक आप करेक्ट कर लीजिए, कल मैंने बोला कि रूसो और रोस में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, और अपन देखो इतना ध्यान से पढ़ते हुए भी हमें वो चीज़ें हम कनेक्ट कर बैठते हैं। रूसो ने बोला था, कल साला था रूसो, ध्यान रखना है, बालक के हाथ पैर वो नेत्र प्रारंभिक शिक्षक होते हैं, ये रूसो ने बोला, ठीक है। और रूसो ने ही, रूसो की पुस्तक थी इमाइल। जब शुरू में मैंने विकास, बाल विकास पढ़ाना स्टार्ट करा था, तो बाल विकास के क्षेत्र में रूसो ने एक इमाइल पुस्तक थी, इमाइल का अर्थ होता है EMILE, जिसका अर्थ होता है काल्पनिक शिष्य, ठीक है। तो उसमें इसने बच्चों का अध्ययन किया था, किसने? रूसो ने। और रूसो ने ही बोला था कि बालक के हाथ पैर और नेत्र प्रारंभिक शिक्षक होते हैं, लेकिन ये रोस है, ध्यान रखना, ये क्या है? रोस है, ठीक है। मिथ्या या छद्म परिपक्वता का काल किसने बोला? रोस ने, ठीक है।
ये भी कौन सी अवस्था? उत्तर बाल्यावस्था। और जीवन का अनोखा काल होता है, बिल्कुल ऐसे दिमाग में नहीं रहता कि किशोरिम काल है, किशोरावस्था, तो लगता अनोखा काल भी कौन सा है। हमें ऐसे किशोरावस्था को लेके एक धारणा बनी रहती है कि ये जीवन का अनोखा काल है। एक तो चीज़ों को कंपैरिजन करके पढ़ें, जैसे जो बाल्यावस्था, जो शैशवावस्था होती है वो सीखने का आदर्श काल, किसने का? वैलेंटाइन ने। जबकि ये जीवन का अनोखा काल और वो स्वर्णिम काल, उसको हम कल देखेंगे। कल तीनों में डिफरेंस भी हम करेंगे। मिथ्या या छद्म परिपक्वता का काल आपको याद होना चाहिए। इसके बाद है प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण की अवस्था। प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण की अवस्था, ये सामाजिकरण की अवस्था किसने दिया? किल पैट्रिक ने। और प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण की अवस्था किसको बोलते हैं? बाल्यावस्था। प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण की अवस्था किल पैट्रिक, कैसे याद रखोगे? प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया? सोचो, प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया? किल पैट्रिक ने दिया, ठीक है। प्रोजेक्ट मेथड किसका विकास करता है? सामाजिकता का। मैंने उस टाइम उसको स्ट्रेस देके अच्छे से बताया था कि प्रोजेक्ट मेथड सामाजिकरण का विकास करता है। तो यहाँ पे किल पैट्रिक, जिसका प्रोजेक्ट मेथड है, और इन्होंने क्या बोला? प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण की अवस्था ले किसको? बाल्यावस्था को। किसने? किल पैट्रिक ने। ओके, जीवन का निर्माणकारी काल है, ये किसने बोला? देखो, जीवन का निर्माणकारी काल, जीवन का अनोखा काल, ये किसको बोलते हैं? बाल्यावस्था को। कल शैशवावस्था था भावी जीवन की आधारशिला, ठीक है। और ये क्या है? भावी जीवन की वो तो आधारशिला थी शैशवावस्था, ये जीवन का निर्माणकारी काल है, ठीक। ये सिगमंड फ्राइड ने कहा। किसने? सिगमंड फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड ने शैशवावस्था के लिए क्या कहा था? शैशवावस्था के लिए कहा था कि बालक का जो कुछ भी विकास होना है, वो जो कुछ भी बनना है, वो प्रथम 4-5 वर्षों में बन जाता है। और फ्राइड ने क्या बोला था कि शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति पाई जाती है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने इसको क्या बोला है, बाल्यावस्था को, कि बाल्यावस्था जीवन की निर्माणकारी काल है, ठीक है। आगे देखो, वैचारिक क्रियावस्था, यानी कि विचार यहाँ पे आते रहते हैं, वैचारिक क्रियावस्था। वैचारिक क्रियावस्था बाल्यावस्था को, और बाल्यावस्था में 7 से 10 वाली को, ठीक है। वैचारिक 7 से 10, और ये पूर्व बाल्यावस्था है, ठीक है। तो वैचारिक क्रियावस्था किसको बोलते हैं? पूर्व बाल्यावस्था को, ठीक है। विद्यालय की आयु, इसी समय विद्यालय जाना स्टार्ट करता है। टोली की आयु, टोली में रहते हैं, ठीक है। और खेल की आयु, खेल खेलना, यहाँ खिलौने की आयु शैशवावस्था थी, लेकिन ये क्या है? ये खेल की आयु है। टोली की आयु, टोली में रहते हैं। और विद्यालय की आयु, यहाँ से विद्यालय जाना स्टार्ट करते हैं, खेल की आयु है। और स्टेंग ने कहा कि शायद ही ऐसा कोई खेल हो जो 10 वर्ष का बालक नहीं खेल सकता। इसको कैसे याद रखो? स्टेंग, टेंग यानी टांग, टांग यानी कबड्डी, थोड़ी अजीब सी ट्रिक है, पर चलो हमें याद रखना है इसलिए याद रख लेना। स्टेंग ने कहा कि शायद ही ऐसा खेल है जो 10 वर्ष का बालक नहीं खेल सकता, यानी कि ये जो है, ये अवस्था क्या है? खेल की अवस्था है। तो ये किसने कहा? ये स्टेंग ने कहा, ओके। और यहाँ क्या, हाँ, ये अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। मूर्त, तीन अवस्थाएं बताई थी, वो थी अतार्किक चिंतन की अवस्था, ठीक है। कौन? शैशवावस्था। ये है तार्किक चिंतन की अवस्था, तार्किक को बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और जो पढ़ेंगे किशोरावस्था, वो होगी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि ये मूर्त रूप में चिंतन कर सकते हैं। मूर्त मतलब जो चीज़ें सामने हैं उसके बारे में ये चिंतन कर सकते हैं, लेकिन अमूर्त, जो सामने नहीं है, उन चीज़ों का ये अभी इतनी इनमें तार्किकता नहीं है, ठीक है। तो ये तार्किक चिंतन की अवस्था है, अमूर्त चीजों के बारे में ये चिंतन नहीं कर सकते, लेकिन तार्किक चिंतन की अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उसको बोलेंगे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तीनों आपको याद रखना है। वो क्या थी? अतार्किक चिंतन की अवस्था, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं, तार्किक चिंतन की अवस्था भी बोलते हैं, और उसको बोलेंगे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ओके, ये चीजें क्लियर हो गई। देखो, जीवन का अनोखा काल संवेगात्मक विकास के क्रम में, कोलम बुच ने कहा, संवेगात्मक विकास के क्रम में, कि इसका जो संवेगात्मक विकास है वो अनोखा होता है। किसका? बाल्यावस्था का। किसने बोला? कोलम बुच ने बोला, ठीक है। तो इस चीज़ को ऐसे याद रखना है, इसको हल्के में नहीं लेना है कि बाल्यावस्था जो है इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, जीवन का अनोखा काल है, कोलम बुच ने बोला। इसके बाद
छद में और मिथ्या परिपक्व, ऐसे लग गया परिपक्वता आने लग गई, लेकिन एक्चुअल में परिपक्व बच्चे होते नहीं है। लेकिन ये भी ध्यान रखना, किसने बोला? रोस ने बोला, ये रूसो नहीं है, ये रोस है। ठीक है, रूसो ने क्या कहा? बालक के हाथ पैर और नेत्र प्रारंभिक शिक्षक होते हैं, और रूसो ने अपनी पुस्तक थी इमाइल, उसमें बच्चों का काल्पनिक जिसका मीनिंग होता है काल्पनिक शिष्य, और जिसमें अध्ययन किया था। इसके बाद जो हाँ ये रोस है, और ये भी ध्यान रखना है कि ये छद्म परिपक्वता की बाल्यावस्था को तो बोलते हैं, लेकिन बाल्यावस्था में भी कौन सी, पूर्व या उत्तर? तो लिखना है उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, इसके बाद प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था है, समाज में इनको इतना वो समान सम्मान नहीं दिया, एक बच्चा ही समझा जाता है, तो एक प्रतिद्वंद चलता रहता है इनके दिमाग में, तो प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था है। किलपैट्रिक ने ये बोला कि किसने बोला? किलपैट्रिक ने। याद कैसे रखोगे? सामाजिकरण प्रोजेक्ट मेथड के कौन, किलपैट्रिक प्रोजेक्ट मेथड किसका विकास करता है? सामाजिकरण का। तो ध्यान रखना, किशोरावस्था में तो बच्चा बड़ा हो जाता है, तो समाज उसको एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये बाल्यावस्था में है तो बड़ा हुआ है, तो इतना वो वेटेज नहीं देते, घर वाले तो देते हैं, बाहर वाले इतना वेटेज नहीं, एक बच्चा समझ लेते हैं ना, बस में भी सीट से खड़ा कर देते हैं बेचारे को। तो एक प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण की अवस्था यहाँ पे रह पाई जाती है। ठीक है, तो किलपैट्रिक ने बोला जीवन का निर्माणकारी काल, सिगमंड फ्राइड ने। इसके बाद वैचारिक क्रियावस्था, विचारों की क्रिया जो अवस्था है वो बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था में भी 7 से 10 वर्ष। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था, ये लोग दूसरों के, देखो जो स्वार्थी और आत्म केंद्रित होते हैं, और ये लोग दूसरों की जो उसको वेटेज देते हैं, दूसरों के विचारों को वेटेज देते हैं। ठीक है, विद्यालय की आयु है, विद्यालय जाना स्टार्ट करते हैं, ये लोग टोली में रहते हैं, समूह में रहते हैं, तो टोली की अवस्था, समूह की अवस्था, वो खिलौनों की अवस्था थी शेष अवस्था, लेकिन ये है खेल की अवस्था। तो इसी में स्टेंग ने कहा कि कोई भी ऐसा खेल नहीं होगा जो 10 वर्ष का बालक नहीं खेल सकता। ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, और ये तार्किक चिंतन की अवस्था है, जबकि शेष अवस्था अतार्किक चिंतन की अवस्था थी। और इसके इसको बोलते हैं 6 से 9 वर्ष को संचय काल, और 10 से 12 को बोलते हैं परिवाह काल। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब देखो बाल्यावस्था में और क्या होता है, मैंने कहा बाल्यावस्था वैसे थोड़ी सुस्त अवस्था मानी जाती है। किस क्रम में? कि इनका मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। हमने पढ़ा शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र गति से होता है, किसमें? शेषावस्था में। लेकिन यहाँ पे आते आते बाल्यावस्था में इनके मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है, एक चीज़ को ये ध्यान रखना है। साथ ही इनके व्यवहार में भी चंचलता कम पाई जाती है, और काम प्रवृत्ति भी यहाँ नहीं पाई जाती है। तो 3 चीज़ों में ये सुस्त है। ठीक है, मानसिक विकास, वहाँ व्यवहार, यहाँ व्यवहार में चंचलता कम पाई जाती है, और काम प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। शेषावस्था में काम प्रवृत्ति पाई जाती है, किसके अकॉर्डिंग? फ्राइड के अकॉर्डिंग, बाकी ने नहीं कहा, फ्राइड ने कहा, और किशोरावस्था में तो पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद हमने बोला कि अभी हमने देखी विशेषता कि टोली में रहना पसंद करते हैं, टोली में या समूह में रहना पसंद करते हैं, और टोली में रहते हैं और निरुद्देश्य, बिना कोई उद्देश्य के भटकते रहते हैं। यानी कि टोली जब वर्ड याद रखोगे तो ये भी साथ में रखोगे, टोली होती है यानी समूह होता है, फालतू भटकते रहते हैं, यानी कि निरुद्देश्य, बिना किसी उद्देश्य के भटकने की प्रवृत्ति होती है इनको। ठीक, जीवन का निर्माणकारी काल, किसने कहा? फ्राइड ने बोला जीवन का निर्माणकारी काल। निर्माणकारी काल का मतलब क्या है? यहाँ ये लोग रचनात्मक कार्य करना सीख जाते हैं। ठीक है, ये मैंने चीज़ें वापस इसी क्रम में लिखी है कि आपको कनेक्ट करके आप याद रख सको। ठीक है, जीवन का निर्माणकारी काल यानी कि यहाँ पे आते आते ये रचनात्मक कार्य, कुछ क्रिएटिविटी, कुछ करना, जैसे ड्राइंग बनाना बच्चे, ठीक है, तो रचनात्मक कार्य करना सीख जाते हैं। संचय काल है यानी संग्रह प्रवृत्ति पाई जाती है, संग्रहण की प्रवृत्ति पाई जाती है, संग्रह प्रवृत्ति पाई जाती है, याद रखना है संग्रह प्रवृत्ति कौन सी, इसी में प्रति आया था ना, किलपैट्रिक ने कहा था कि प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण की अवस्था है, प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण की अवस्था, इसका मतलब यहाँ पे सामाजिकता, और यहाँ मतलब नहीं है लेकिन मैंने साथ में लिखा था कि आप कनेक्ट करके याद रख सको। हमने देखा था कि शेषावस्था में सामाजिकता और नैतिकता का अभाव होता है, लेकिन बाल्यावस्था में आते आते बच्चा सामाजिकता और नैतिकता के गुणों में तेजी से वृद्धि होने लगती है, याद रखना है।
अब देखो वहां हमने अभी हमने पढ़ा था कि ये तार्किक चिंतन की अवस्था है। कौन सी? बाल्यावस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। तार्किक चिंतन यानी कि बच्चा अब तर्क करने लग जाता है, चिंतन करने लग जाता है, स्मरण इन्हें याद रखने लग जाता है, मनन करने लगता है और संवेदनशीलता आने लगती है। तो इन चीजों का विकास किसमें होने लगता है? बाल्यावस्था में होने लगता है, यानी कि तार्किक चिंतन। तार्किक चिंतन से ये सब चीजें याद रख लोगे आप। जैसे ही मैंने प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकीकरण की अवस्था, तो आप ये याद रख लो, कनेक्ट करके पढ़ने, आपको मैंने चीजें इसी क्रम में लिखी है कि आप याद रख सको, ठीक है। जैसे संचय काल लिख दिया, संचय काल है, जैसे ये संचय काल है 6 से 9। अब संचय काल दिमाग में आते ही कि संग्रह प्रवृत्ति किसमें पाई जाती है? इसी में पाई जाती है। निर्माणकाली काल है, इसका मतलब रचनात्मक प्रवृत्ति भी किसमें पाई जाती है? बाल्यावस्था में पाई जाती है। मानसिक रुचियों, इनकी मानसिक रुचियों में परिवर्तन पाया जाता है, मानसिक रुचियों रुचियों में परिवर्तन होता रहता है इनके, ठीक है। एक इनको ये लोग जिसे वास्तविकता में प्रवेश करने लग करने वास्तविकता में प्रवेश कर जाते हैं। शेषावस्था होती है, वो अलग दुनिया होती है उनकी, ठीक है। लेकिन ये लोग अब वास्तविकता में प्रवेश, ये अब दुनिया का असली नॉलेज इनको होने लगता है, वास्तविकता में ये प्रवेश करने लग जाते हैं। पहले लगता है मम्मी पापा यही दुनिया है, ठीक है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है। व्यक्तित्व पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़े हम, तो उसमें 3 प्रकार का व्यक्तित्व होता है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अंतर्मुखी जो अंदर का होता है, जो यानी कि बाहर फीलिंग्स हैर नहीं कर पाता है, और ऐसे जो होते हैं वो लेखक होते हैं, अच्छे अच्छे लेखक होते हैं, ठीक है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला जैसे राजनेता बनता है, जिस जो मिलनसार होते हैं, और वो अंतर्मुखी वाले मिलनसार नहीं होते हैं, वो अकेले रहना पसंद करते हैं। ये क्वालिटीज हम जब व्यक्तित्व पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे। और जो उभयमुखी होता है, उसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं, अंतर्मुखी के भी और बहिर्मुखी के भी, ठीक है। ये जो भविष्य के प्रति चिंता न होना, बाल्यावस्था में भविष्य के इनको कोई मतलब नहीं है, अभी टेंशन नहीं है फ्यूचर की, तो भविष्य के प्रति कोई चिंता नहीं होती है। लेकिन किशोरावस्था आते आते वो भविष्य के प्रति टेंशन लेने लग जाते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का। काल्पनिक भय का अंत हो जाता है। जो शेषावस्था में एक काल्पनिक भय रहता है, हर चीज़ों को उसे डरा देते हैं तो डर लगता है, अब वो काल्पनिक भय का अंत हो जाता है, ठीक है। और समलैंगिक मित्रता पाई जाती है, मित्रता पाई जाती है, देखना अभी इस बाल्यावस्था में समलैंगिक मित्रता पाई जाती है, यानी कि समान लिंग के प्रति आकर्षित रहते हैं, जबकि किशोरावस्था में विपरीत लैंगिक, ठीक है। ये समलैंगिक मित्रता यहाँ पे पाई जाती है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, ओके।